आज पहली बार आंटी की ज़ारा के लिए मुखालफत खुलकर मेरे सामने। मुझे धमकियां देनी थी और ज़ारा से जीने का हक छीन लेना चाहती। खुलानामा मिलने के बाद असद भी सांसें तंग कर देगा ज़ारा। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा ज़ारा का। कुछ तो बोले आप। मामा ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? क्यों खामोश है? बात करें मुझसे। बेटा तुम नहीं थे ना, मैं बहुत अकेली हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, किसी से बात ही नहीं कर सकती थी इस घर में। तुम अब आ गए हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारा ने क्या किया तुम्हारे साथ? खुला मांग लिया? मैंने उसका इतना ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, और उसने तुम्हारे साथ ये हरकत की है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। छोड़े मामा, मैं जानता हूँ सब। आप बस ये छोड़ दें फिक्र करना, बस अपना ख्याल रखिए। भाई दादा, क्या हाल है तुम लोग? ठीक, आप कैसे हैं? तुम लोगों को कैसे पता चला मेरे आने का? मैं अपने कमरे में थी तो शमीम ने बताया कि आप आए। अच्छा, तुम लोग इधर ही हो? हाँ, कुछ दिनों से यहाँ मेरे साथ रुके हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बैठो, आकाशिफ आओ। क्या खत्म हो गया वो सफर? कैसे एक दूसरे के हाथ पे हाथ डाले, प्यार से कदम बढ़ाते शुरू किया था। इतने हसीन ख्वाबों का इतना भयानक अंजाम, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि इस मोहब्बत के रास्ते पर चलते चलते मेरा वजूद किरची किरची हो जाएगा। कौन? सारा प्लीज एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। मेरी मजबूरियां और जुदाई ने तुम्हारे दिलो दिमाग में बहुत सी गलत फहमियां पैदा कर दी है ना। कर दूंगा सारी गलत फहमी, सब ठीक कर दूंगा मैं। कितना रो रो के मुझे फोन किया करती थी, सब एक बार आ जाओ, तुम्हें देख के जीने का हौसला मिल जाएगा। और अब जबकि मैं आ गया, तुम्हारे सामने खड़ा तो ऐसे अनजान बन गई हूं जैसे मुझे पहचानती तक नहीं। मैं तो अपनी पहचान भी खो चुकी। देखो सर, आज रात यहां रहना मेरी मजबूरी, सुबह होते यहां से चली जाऊंगी। देखो सारा, जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ प्लीज।
जग छूटा तू रूठा रब रूठा किस्मत दे फेरे ऐसे लग रहा है जैसे कि सारी दुनिया मिल गई मुझे मान गए ना मेरी मामा को हाँ मान गए अब मैं सारी जिंदगी खुशी से उनकी खिदमत करूंगी अपनी खिदमत कराने के लिए तो तुम्हें नहीं लेके आए सर अंकल को बिठा के रखेंगे तुम्हें शुक्रिया शादी का पहला तोहफा